अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज हम ये मछली झींगा मछली बनाना दिखाएंगे। तो इसे पहले हम साफ कर लेते हैं, तो हम देख लेते हैं कि इसे कैसे साफ करते हैं। तो इसे हम पीछे जो हिस्सा है वो हम इस तरह से काट लेते हैं, इस तरह काट लिए है। वो जो पेट के पोर्शन है वो हम ऐसे काट लेंगे, इस तरह से पूरा ही काट लेंगे, इसको बिल्कुल ही नहीं रखेंगे। इस तरह से काटेंगे, इसको हमने पेट का पोर्शन है पूरा काट लिया है, बिल्कुल नहीं है। तो हम अभी इधर का है जो वो हम काट लेते हैं इस तरह से, और इधर का भी काट लेते हैं इस तरह से, पूरा ऐसे काट लेंगे। अब हम इसका जो सूंड है वो हम काटेंगे। तो वो हम कैसे काटेंगे वो दिखा देते हैं। इसका आँख जो है वो आप लोग रख सकते हैं और दिखने में अच्छे लगते हैं, अगर एक काट देते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर हम इसका छिलका नहीं छीलेंगे, हम बस इतना ही तक काट रहे हैं ऐसे। इसका मुंह पूरा काट लेते हैं और पूरा ऐसे जो टाइट है वो उसको भी काट दिया है हमने, कर लेते हैं और एक दिखा देते हैं। इसका बीच में हम इस तरह काटेंगे, इसका छिलका नहीं छीलेंगे, बस इस तरह। बीच का जो है वो गंदा वो हम इस तरह से निकाल लेंगे, धीरे 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 से ऐसे हाथ में, इस तरह धीरे धीरे ऐसे ऐसे निकाल लेंगे। वो हो गया है। तो इसी तरह हम सारे मछलियों को साफ कर लेते हैं। इसको और एक बार दिखा देते हैं, इसका जो सर का गंदगी है वो आप लोग कैसे निकालेंगे। तो इसको बस इस तरह से कर लिया है, और जो एक काठी लिए है हमने बस उसको इस तरह से एक बार में पूरा निकालेंगे इस तरह। तो इसको अच्छे से धो के हम साफ कर लेते हैं। मछलियों को अच्छे से साफ कर लिया है हमने, तो अब इसको हल्दी और नमक लगा के फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा हल्दी पाउडर ऐसे डाल देते हैं और थोड़ा नमक डाल के इसको इस तरह से मैंने इसका छिलका नहीं छिला है, आप लोग इसका छिलका छिलके भी बना सकते हैं। तो इसको करके आप लोग बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अंदर तक नमक घुस गया है ऐसे, अच्छे से इसे लगा लिया है हल्दी और नमक। तो हम कढ़ाई में तेल डाल देते हैं और इसको फ्राई कर लेते हैं। तो हम कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं आप लोग। तो हम कुकिंग ऑयल डाल देते हैं थोड़ा सा, जस्ट इसको फ्राई करना है। तो तेल को गरम कर लेते हैं। तो मछलियों को एक एक करके ऐसे डाल देते हैं। इतना ही तेल में हम मछलियों को फ्राई कर लेंगे, फिर बाद में हम इसमें तेल डालेंगे। इधर उधर करके हम दोनों तरफ को फ्राई करेंगे, पहले एक तरफ हो जाए फिर दूसरी तरफ कर लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे इस तरह से। इसको हम फ्राई कर लिए हैं, अब हम इसको उठा लेते हैं। तो फिर ऐसे हमने फ्राई कर लिए हैं, तो अब हम इसमें थोड़ा और ऑयल डालेंगे, इसमें ही हम बनाएंगे। आप लोग इसे चेंज कर सकते हैं इस ऑयल को, तो हम इसी में बनाएंगे। तो थोड़ा और कुकिंग ऑयल डाल देते हैं, मस्टर्ड ऑयल
भी बना सकते हैं आप लोग। तो थोड़ा और डाल देते हैं। अब हम सूखी मसाला वो हम डाल देते हैं इसमें। तो मैंने पहले भी मलाई कढ़ी बना के दिखाया था, तो आज हम मलाई कढ़ी नहीं बनाएंगे, ऐसे झींगा कढ़ी बना के दिखा रहे हैं। तो इसमें मैंने कुछ मसाला डालना है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट वो हम डालेंगे इसमें, और इसको हल्की सी भूनना है हमें, तभी हम प्याज का जो ग्रेवी है वो हम डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने एक मिनट ऐसे तेल में छोड़ दिया था। अब हम प्याज का पेस्ट बनाया है वो हम डालेंगे। इसे हम अच्छे से भून लेंगे, मिनट ऐसे भून लेंगे। अब हम टमाटर डाल देंगे इसमें। अब हम नमक डाल देते हैं एक चम्मच। एक चम्मच डाल दिया है ताकि आप लोग बाद में भी डाल सकते हैं, थोड़ा कम हो जाए तो। अब हम मसाला दे देते हैं, धनिया पाउडर हाफ चम्मच और काली मिर्ची पाउडर हाफ चम्मच और मिर्ची पाउडर एक चम्मच, हल्दी पाउडर एक चम्मच। इसे भून लेते हैं और जब तक तेल नहीं छोड़ते तब तक हम पानी नहीं डालेंगे इसमें। तो अब हम पानी डालेंगे इसमें, तेल छोड़ दिया था इसलिए नहीं, इतना ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और हम एक एक करके हम मछली डालेंगे हम इसमें, तो एक एक करके उबालने के बाद भी आप लोग डाल सकते हैं। हम अब डाल देते हैं एक एक करके। तो मैंने डाल दिया है और इसे ढक के पका लेते हैं, दो से तीन मिनट अच्छे से बॉईल होने देते हैं। मैंने थोड़ा प्याज की कलियां ले लिए हैं वो हम थोड़ा डालेंगे इसमें, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, अभी इसका सीजन है तो अच्छे लगेंगे, तो थोड़ा डाल देते हैं। तो हम बीच बीच में डालेंगे, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूंगी साइड साइड पे। इसे दो मिनट ढक के और पका लेते हैं, इसे देख लेते हैं। तो ये हो गया, थोड़ा धनिया पत्ता डाल देते हैं और एक मिनट पका लेते हैं। अब हम इसे सर्व करके दिखा देते हैं कितने प्यारा लग रहा है। और ये बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग कभी भी इसे घर में कोई भी बना सकते हैं। तो मैंने प्याज का कलिया डाल के और भी टेस्टी बना दिया है इसको, मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे इसको खाने में, इसको काटा वगैरह बिल्कुल नहीं रहता है तो ये खा लेते हैं बच्चे। भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं हम लोग। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो में बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।